आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि कार है मूविंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल विद अ स्पीड ऑफ दे रखा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 765 हर्ट्ज, और कहा जा रहा है कि द वॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कार, देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड, और कहा जा रहा है कि वहां पे विंड भी रोल में आता है और वो भी आपका ब्लो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द कार towards the wall at the speed of 20 meter per second. तो कहा जा रहा है कि the speed of the sound in a still air is आपका 340 meter per second. तो आपका wavelength पूछा गया sound wave का, ठीक है? Wavelength पूछा गया sound wave का returning towards the car after the reflection from the wall, ठीक है? तो सबसे पहला जो point हमारा यहाँ पे होगा इस question के according कि मैं मान लेता हूँ कि हमारा ये car है, ठीक है? हमारा यहाँ पे एक car है और इसके just साथ में ही हमारा एक wall भी है, ठीक है? हमारा यहाँ पे वॉल है, ओके। अब इस कार का क्या सीन दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो कार का आपका वेलोसिटी दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? कार आपका 20 मीटर पर सेकंड है और जो कार है ये आपका फ्रीक्वेंसी जो आपका एमिट कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है जो कार का वो आपका दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 765 हर्ट्ज, ओके। एंड ये वाला हमारा वॉल है, ओके। अब इस वॉल में क्या कह रखा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एंट है, ठीक है? वॉल पे एंट बैठी हुई है, ठीक है? और आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो वॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कार और देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है? जो कार और वॉल के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन जो है आपका वो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसको मैं अगर वी आर कह लूँ तो वो भी आपका दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड वन मोर पॉइंट आपका क्वेश्चन में मूव है कि आपका विंड है वो भी ब्लो कर रहा है और वो भी कार के डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ विंड है वो भी आपका 20 मीटर पर सेकंड ही है, ओके। अब इसके बाद बोल रहा है कि अब बताओ वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है? और स्पीड ऑफ जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है जिसको मैं वी कह रहा हूँ, तो स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है आपका 340 मीटर पर सेकंड, ओके। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे डॉपलर्स का लॉ लगा दें, डॉपलर्स इफेक्ट को लगाएं, ठीक है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो एंट है ये एंट किसके जैसा बिहेव करेगा, ये आपका ऑब्जर्वर है और ये जो कार है ये आपका सोर्स है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एंड का अगर हम लोग ऑब्जर्वर का अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें, ऑब्जर्वर का स्पीड निकालना चाहें, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो कार देख रखते हैं, कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कार एंड रिलेटिव सेपरेशन दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है? आपका इन दोनों के बीच का जो आपका रिलेटिव सेपरेशन दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है एंड ये जो विंड का विंड भी रोल इफेक्ट करेगा, तो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो दोनों का जो कंबाइन करने के बाद जो ऑब्जर्वर का आ जाएगा वो स्पीड आ जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड जो सोर्स है, सोर्स का स्पीड कितना दे रखा है, सोर्स हमारा कार है और इसका स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब अगर हम लोग डॉपलर लॉ का यूज करेंगे, डॉपलर इफेक्ट का, तो जो रिफ्लेक्टेड, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है? तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगा वो आपका आने जा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिंपल जो आपका स्पीड ऑफ द वेव है इन स्टील एयर जिसको वी कह रहे थे, प्लस का विंड क्योंकि विंड भी इस रोल में आ गया और माइनस का क्योंकि ये ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या जाएगा, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे माइनस का वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे फिर से जो स्पीड है स्टील एयर में प्लस आपका वेलोसिटी ऑफ विंड एंड जो सोर्स है, सोर्स सिंस आपका सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है, तो दिस विल बी गोइंग टू बी द माइनस एंड वी एस सी का सोर्स ऑफ द वेलोसिटी एंड इसके साथ हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके साथ जो आएगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा जो आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? जो हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है 765 हर्ट्ज, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो रिफ्लेक्टेड आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, तो जो वी दे रखा है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दे रखा है आपका 340, तो यहाँ पे आ जाएगा 340 एंड विंड का जो स्पीड है वो हमारा है 20, तो 20 एंड ऑब्जर्वर का है मेरा माइनस का यहाँ पे 40 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा 340 एंड प्लस का 20 एंड सोर्स का है हमारा 20 है तो माइनस का 20 एंड जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको कितना 765 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनटू का 765, ओके। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो वी कैन सॉल्व इट, जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो 340 प्लस 20 कितना आएगा 360 और 360 में से 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो बेसिकली इसको लिख देता हूँ 360 एंड माइनस का 40 एंड नीचे हमारा कितना जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 360 एंड नीचे आ जाएगा माइनस का 20
एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विथ 765. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हमारा आ जाएगा 720 हर्ट्ज के बराबर. ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेवलेंथ बोला गया ना, तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है कि जो हमारा स्पीड ऑफ द वेव जो होता है वो आपका बराबर होता है फ्रीक्वेंसी एंड इनटू का द वेवलेंथ के. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा स्पीड ऑफ द वेव इन द स्टील एयर एंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी. तो जो वी का वैल्यू दे रखा आपका 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 340 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा आपका 720. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका 0.472 मीटर के बराबर. ओके, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.